दोस्तों, अगर आप लोगों को घर के अंदर हैंगिंग बास्केट में कटिंग से प्लांट लगाने हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताऊंगी घर के अंदर आप लोग हैंगिंग बास्केट में कौन कौन से पौधे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को हमारे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि इस तरीके की वीडियो में आप लोग के साथ जब शेयर करो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, ये हमारा स्पाइडर प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट में इंडोर में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। इनके छोटे छोटे रनर्स निकलते हैं, नीचे से भी रूट्स भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बारिश के टाइम पे तो यहाँ प्लांट हमारा ख़राब हो रहा था, तो यहाँ पे इनकी मैं कटिंग ग्रो करने वाली हूँ। और दोस्तों, ये प्लांट जो है हमारा आउटडोर था लेकिन छांव में रखा हुआ था, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है बहुत अच्छे से ये चल भी रहा था, लेकिन बारिश और गर्मी की वजह से प्लांट हमारा ख़राब हो रहा था। तो यहाँ पर डिवाइड करके मैं लगाने वाली हूँ। तो देख सकते, इतने ढेर सारे प्लांट हमारा ये रेडी हो गया है। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरीके से इनको लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो इनको मैं दोस्तों फिलहाल लगाऊंगी हैंगिंग बास्केट में। और हैंगिंग बास्केट की जो मिट्टी है दोस्तों, सॉयल की मैं अगर बात करूँ तो इनकी जो सॉयल है, सिर्फ मैंने यहाँ पे गार्डन सॉयल लिया हुआ है और इसमें थोड़ा सा मैं बर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी, क्योंकि ये मेरा दोस्तों पहली बार जिसमें ये लगा था ना, वही वाली। तो इसमें थोड़ा सा मैं बर्मी कंपोस्ट और फंजीसाइड पाउडर डाइकोडर्मा मिला के तब इन पौधों को मैं लगाऊँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बर्मी कंपोस्ट और फंजीसाइड पाउडर लिया है, तो इनको मैं पहले अच्छे से इस तरीके से मिला लूँगी। इससे क्या होगा ना, आपकी मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी और आपके जो प्लांट है उनकी ग्रोथ भी अच्छी से रहेगी, कोई फंगस वगैरह कुछ होगा। फिलहाल मिट्टी हेल्दी दोस्तों बिल्कुल भरपूरी है। मैं इस तरीके से सॉइल बनाती हूँ। पहले से सॉइल इसमें सैंड सॉइल थी और गार्डन सॉइल थी, बाकी जो बर्मी कंपोस्ट होता है गोबर की खाद वो भी एड रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मिट्टी तैयार है, तो मैं एक एक प्लांट इस तरीके से इसमें लगा दूंगी ताकि हमारा जो स्पाइडर प्लांट है दोस्तों बचा रहे। इस तरीके से लगाना है और सारे नहीं लगाऊंगी, थोड़ी ही लगाऊंगी, क्योंकि और को भी मुझे अलग कटिंग इनकी ग्रो करनी है। तो इस तरीके से मिट्टी में दबा देंगे और अगर बारिश के पानी में रखेंगे दोस्तों तो कटिंग जल्दी आपकी लग जाएगी। तो इस तरीके से जड़ों को ज़्यादा हमें हिलाना डुलाना है, डैमेज नहीं करना है। तो फाइनली यहाँ पे मैंने दो चार प्लांट एक ही पॉट में लगा दिए हैं। तो पानी भी फिलहाल मैं नहीं दूंगी क्योंकि बारिश का टाइम है दोस्तों, भी कुछ ही देर में शायद बारिश हो क्योंकि बादल गरज रहे हैं। पत्तियाँ जो बर्न हुई हैं इनको भी हमें रिमूव कर देना है, यानी हटा देना, बिल्कुल हटाना, क्योंकि पत्तियाँ जो होती हैं इनकी खूबसूरती ही होती हैं और इसको इंडोर ईजिली हम लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं हैंगिंग वाले प्लांट्स हैं। दोस्तों, ये मैंने सॉइल जो बनाई है ये मैं लगाने जा रही हूँ। इसमें मैं दोस्तों लगाऊंगी मनी प्लांट और ये दोस्तों कुछ अलग की वैरायटी वाली मनी प्लांट्स हैं। और ये फिलहाल मैंने कटिंग से ही लगाई हुई थी, अभी अच्छे से चल रही थी। आज मैं फिर से इनको ग्रो करने जा रही हूँ। उनके चने देख सकते हो कितने अच्छे से चल रही है। तो इनकी है ना छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है, देखिए इस तरीके से एरियल रूट्स बने हुए हैं और पत्ते इस तरीके से दोस्तों जो बर्न हो जाती है ना इन्हें रिमूव कर देना चाहिए ताकि आपका प्लांट अच्छे से चल सके। तो आप जड़ें भी हटा सकती हैं और क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होती हैं इनकी जड़ें, नेल से ही कट हो जाती हैं। तो मैं इनको आराम से इसी तरीके से फिलहाल ये हैंग करने वाले हैं, तो मैं यहाँ से इस तरीके से तोड़ दूँगी ताकि और भी अच्छे से लग जाए। तो बीच में सेंटर में रखना है इन्हें, इस तरीके से इनकी कटिंग लग जाती है और पत्तियों से भी दोस्तों ये ग्रो होते हैं, जैसे इस तरीके से हैं। आप सिंपल से इस तरीके से रख दीजिए, आपकी कटिंग आराम से लग जाए। ऐसे भी रख सकते हो, एक रूट्स रहे मिट्टी के अंदर, बाकी आपका जो प्लांट है आराम से चल जाएगा। एक कटिंग हो दोस्तों मैं सोच रही थी लगा दूँ ताकि ये ज़्यादा घने हो जाए, जितने हम इनमें कटिंग ग्रो करेंगे उतने ही दोस्तों घने होते जाएंगे। तो ये फाइनली तभी हमारी मनी प्लांट की दोस्तों दूसरी वाली वैरायटी, इसका फिलहाल मुझे नाम नहीं पता है। मनी प्लांट की बहुत सी वैरायटीज़ रहती हैं। तो सॉइल मैंने बताया ये वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल है, बाकी अच्छे से चल जाता है। हैंगिंग बास्केट के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है और इन्हें आप दोस्तों इंडोर लगा सकते हैं। एयर प्योरीफायर प्लांट होता है, आपको बताइए मनी प्लांट, और मनी प्लांट ऐसा प्लांट होता है दोस्तों जो कि जो आपके धन होते हैं अपनी तरफ खींचता है, घर में शुद्धता रखती है और सुख समृद्धि शांति भी लाते हैं। तो मनी प्लांट को अपने गार्डन में जरूर लगाइएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हमारा स्वीट पोटैटो वाइन, ये वेरीगेटेड वाले हैं और इसकी कटिंग मैंने दो तीन महीना पहले लगाई हुई थी। कटिंग भी बहुत अच्छे से लग गई, इसमें एरियल रूट्स भी निकल आए हैं और देख सकते हैं जो हमारा डिस्पोजल गिलास है किस तरीके से बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जड़ें देख सकते हैं कितनी अच्छे से निकली हुई है। और दोस्तों बता दूँ इसमें जैसे पोटैटो जैसे नाम है ना, इसी तरीके से इसमें छोटे छोटे से ट्यूबर यानी बल्ब भी रहते हैं, उन्हीं से ये फिलहाल उगते हैं। तो देखिए जड़ें कितनी अच्छे से, इसमें थोड़े से पत्थर जो मैं कटिंग लगाती हूँ डिस्पोजल्स में तो छेद करती हूँ उस ड्रेनेज के लिए, पत्थर रखना ज़रूरी हो जाता है ताकि पानी ज़्यादा रुके ना, आपकी कटिंग ख़राब ही ना हो। तो ये देखिए कितनी अच्छे से ये लग गई है और इनकी पत्तियाँ भी जो उनके लिए की वेरिएशन है पिंक है और थोड़ा सा इसमें वाइट ग्रीन है, तीन कलर का है। तो ये फ़िलहाल मैंने नर्सरी से कटिंग छोटी सी ली थी और भी मैंने लगाई थी, जो कि मेन मदर प्लांट था वो ख़राब हो गया, अभी कटिंग वाली बची है। तो इनको आज फिर से मैं कटिंग से लगाना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलते, अभी बारिश का टाइम है ना, इनकी कटिंग हम लगाएंगे तो 100% लग जाएगी। तो ये मैंने 10 इंच का गमला लिया हुआ है, मिट्टी दोस्तों बारिश की वजह से गीली है तो इसी तरीके से हमारे गार्डन में मिट्टी फ़िलहाल आपको देखने को अभी मिलेगी। तो 10 इंच के गमले में मैं इनको लगा दूंगी, बाकी जो इनमें एक्स्ट्रा जो बेल है फैल रही है ना उनकी कटिंग भी मैं इसी में लगा दूंगी। तो ये दोस्तों इंडोर चलने वाले प्लांट है, अगर आप इंडोर नहीं आउटडोर रखते हैं तो छांव में रखिएगा, प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो स्वीट पोटैटो वाइन है ना आराम से ये चल जाएगा। और कलर की देख सकते हैं बहुत प्यारा पर्पल और ग्रीन कलर है, वाइट भी रहता है। तो ये चीज़ें हैं, तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही पत्तियाँ। तो पहले इनकी कटिंग हमें ले लेनी फ़िलहाल, तो मैं फ़िलहाल भी सीजर नहीं ली हूँ, तो हाथों से इनके जो क्या कहते हैं स्टेम होती बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, नेल से अगर हम कट करेंगे तो हो जाता है, तो इस तरीके से हम तोड़ के भी लगा सकते हैं। इनमें चाहें तो कई कटिंग हम बना सकते हैं, तो इस तरीके से खाली स्टेम भी लगा देंगे ना, खाली डंडी जिसको बोलते हैं, तब भी इनमें पत्तियाँ आ जाती हैं आराम से और लग भी जाएंगी। तो आप इस तरीके से जो स्वीट पोटैटो वाइन को भी लगा सकते हैं। ये कलर की अगर बात करूँ तो 3-4 कलर आते हैं, ग्रीन वाइट पर्पल में भी रहते हैं, इस तरीके से वेरीगेटेड भी रहते हैं। तो कोई भी हो ज़रूर ऐड करें। फिलहाल अभी मेरे पास तो ग्रीन और ये वाली है, दो वैरायटी है मेरे पास, दोनों अच्छे से चल रही हैं। ये वाली कटिंग से लगी तो मैं चलो सेव कर लेते हैं, नहीं तो कब ख़राब हो जाए कुछ पता ही ना चले। तो ये भी दोस्तों बेस्ट है, आप ज़रूर इनको अपने गार्डन में लगाएं कटिंग से, इजी टू ग्रो प्लांट है, बस बारिश के पानी में रखिएगा, जैसे आपको लगे धूप है तो हटा दीजिएगा, बाकी छांव में चलने वाले पौधे हैं ये। दोस्तों ये हमारा पेल्डोरियन का प्लांट है और इसको मैंने कटिंग से लगाया था, तो शायद पानी कम मिला या बारिश की पानी ओवर वाटरिंग की वजह से ये थोड़ी सी इनकी जो यहाँ की स्टेम थी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो आज मैं फिर से इनकी कटिंग लगाने वाली, ये भी इंडोर प्लांट है दोस्तों, इनकी इसलिए कटिंग लग जाती है, ग्रोथ भी नहीं नहीं हो रही, तो अभी प्लांट सही है। इसमें भी दोस्तों एरियल रूट्स निकलते हैं, देख सकते हो यहाँ से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, तो इनको भी लगाना बहुत ही आसान है। तो इनको मैं इस छोटे से इसमें लगाऊँगी, 4 इंच का जो पॉट है हमारा आप लोगों को पता ही है, तो मैं इसी में लगाऊंगी इस तरीके से, अगर लग जाएगी तो अच्छी बात है। और कोशिश हमारी यही रहती है कि हमारी कटिंग हमेशा सक्सेस हो जाए। वैसे मैंने जितने भी इंडोर प्लांट्स की कटिंग ग्रो करी दोस्तों ना, सारे अच्छे से चल रही है, कोई भी कटिंग ख़राब नहीं हुई है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मिट्टी हटा के, ये मिट्टी में मैंने थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है, तो अभी तो फ़िलहाल यही चलेंगे और बस मिट्टी में दबा देंगे, अच्छी ग्रोथ रहेगी और पानी फ़िलहाल बारिश का मिलता ही रहता है तो कटिंग भी ईजी लगी जाएगी। तो ये पेल्डोरियन का प्लांट है दोस्तों, इस तरीके से बीच में गोल्डन रहता है, साइड साइड से जो होता है लाइट ग्रीन रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वैसे देखने में मनी प्लांट लगता है बट ये मनी प्लांट दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको इस तरीके का प्लांट कहीं दिखे तो इंडोर गार्डन के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ हमारा डेविल बैकबोन है और ये भी आराम से कटिंग से छोटी छोटी कटिंग जो होती है लग जाती है इंडोर प्लांट से। और इनकी मेरे पास दो वेरायटी और है जिसको मैं अभी दिखा देती हूँ। देखिए ये वाली वेरायटी है, ये भी टेबल बैकबोन है, ये भी है, तो थोड़ा सा पत्तियों का डिफरेंस है और ये थोड़ा सा राउंड शेप या कलर देख सकते, इसमें थोड़े से पिंक किस है, इसमें थोड़े से पिंक है, तो अच्छे लगते देखने में। इस तरीके के प्लांट अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं यानी इंडोर गार्डन में तो बहुत अच्छे से चल जाएंगे। ये मैंने एक छोटी सी कटिंग ली थी और ये हैंगिंग वाले प्लांट्स हैं, इनको फिलहाल थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब मैं हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी। एक और मेरे पास वैरायटी है टेबल बैकबोन की, तो भी दोस्तों देख सकते हैं ये
छांव में चलने वाले पौधे हैं यानी इंडोर गार्डन वाले प्लांट्स हैं, तो इन्हें भी आप जरूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। AG2 केयर है, तो बिना देरी के झटपट से इन्हें भी आप लगाना ना भूलें। ये पेंडानस का प्लांट है और ये भी कटिंग से लगते हैं, इंडोर गार्डन के लिए बेस्ट है, इन्हें इंडोर ही लगाया जाता है। बस थोड़ी सी ब्राइट लाइट मिलती रहेगी तो ये आराम से चलता रहता है। ये स्पाइडर प्लांट की फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन स्पाइडर प्लांट दोस्तों यह है नहीं, इनकी जो शेप है देख सकते हो, मैंने 4 इंच के गमले में लगाया, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आप लोगों को इस तरीके के प्लांट पसंद है इंडोर गार्डन के लिए तो ये बेस्ट है, आप इन्हें भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। खूबसूरती एंड कलरफुल तो दिखते ही हैं और लगाना भी आसान है, छोटे से नीचे से यहाँ से नए नए पप्स निकलते हैं, जैसे हमारा पड़ा प्लांट नीचे से लेके निकालते हैं उसी तरीके से भी लेके निकालते हैं, बस इसमें रनर्स नहीं होते हैं। तो अगर आप लोगों को ग्रो करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों हैंगिंग बास्केट में घर के अंदर लगने वाला हमारा ये है दोस्तों खूबसूरत सा प्लांट टेंगल हार्ट, और ये छांव में चलते हैं तो इसका मतलब इसको आप घर के अंदर आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इनके भी वाइन मतलब समझ सकते हो वाइन ही होती है, तो इसलिए 1 इंच की कटिंग से भी ये लग जाते हैं। तो ये सारे प्लांट है दोस्तों जिनको आप घर के अंदर कटिंग से हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।